आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी शुरुआत। सब रुक करते हैं बड़ी खबर का। हरियाणा के कैथल जिले में गेहूं के सीजन की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। इस महीने के पहले सप्ताह में गेहूं की कटाई भी शुरू होने की उम्मीद है। मार्च महीने में इस बार गर्मी को देखते हुए गेहूं जल्दी पकने की उम्मीद है। इससे गेहूं के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। गेहूं के सीजन को लेकर बिजली निगम व दमकल विभाग की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। बिजली निगम द्वारा सीजन शुरू होते ही दिन के समय ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई बाधित रखी जाएगी। वहीं खेतों की सप्लाई पूरी तरह से बंद रखी जाएगी, क्योंकि बिजली की सप्लाई सुचारू रहती है तो इसमें आगजनी की जो घटना है वो बढ़ जाती है और खेतों में आग लगने पर किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए आगजनी की घटनाओं को देखते हुए विभाग ने 1 अप्रैल से सप्लाई बंद करने का जो फैसला है वो लिया है। वहीं दमकल विभाग की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। अब विभाग के पास 11 गाड़ियां हैं, इनमें से 2 गाड़ियां खराब हैं। हालांकि क्षेत्र को देखते हुए 4 से 5 गाड़ियों की और जरूरत है। कलायत व गुहला क्षेत्र में 1-1 गाड़ी है, जबकि राजौंद और पुंडरी ढांड क्षेत्र में कोई गाड़ी अभी नहीं है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप, बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।